हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कल जो मैंने आपको ट्रेड्स दी थी उन्होंने आज कैसे परफॉर्म किया। कल जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी एक्सो इंडिया। इसका बाय मैंने आपको दिया था 2239 पे। इसने आज लिटरली आउट परफॉर्म किया है। इसका आज का हाई है 2275 और इसने अपना टेक प्रॉफिट भी अचीव कर लिया। दूसरी ट्रेड मैंने आपको दी थी दीपक नाइट्रेट। इसका बाय मैंने आपको दिया था 1776 पे। इसका आज का हाई है ऑलमोस्ट 1794। थर्ड ट्रेड मैंने आपको दी थी LTI। इसका आज बाइंग प्राइस आया नहीं तो इसके अंदर हम एंट्री कर नहीं पाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 34,362 पे। उसके बाद जो सपोर्ट है वह 33,962 पे। इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वह 34,655 पे और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वह 35,127 पे। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे आज गैप अप ओपन हुई है, उसके बाद सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद एक रीटेस्ट आया और फिर बैंक निफ्टी सीधा अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ चली गई। और अगर हम अभी देखें प्राइस को तो यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इतनी बड़ी ओवर एक्सटेंडेड रैली के बाद जनरली प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वापस नीचे आनी शुरू हो जाए। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है उसके बाद वापस नीचे आनी शुरू होती है और 34,655 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो हमें वापस रीटेस्ट होगा 34,655 का। उसके बाद जब प्राइस वापस नीचे आना शुरू होगा तब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 34,597 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 34,428। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट है जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 15,115 पे। उसके बाद जो सपोर्ट है वह 15,040 पे। इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वह 15,196 पे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वह 15,250 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देख सकते हैं निफ्टी गैप अप ओपन हुई है, उसके बाद निफ्टी ने सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट, फिर प्राइस वापस अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास चला गया। तो मंडे को एक पॉसिबिलिटी की ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाए। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है प्राइस वापस रीटेस्ट करता है 15,196 को, उसके बाद ऊपर जाना शुरू होता है तब हम इसको बाय कर सकते हैं अराउंड 15,210 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 15,242। और अगर निफ्टी वापस ऊपर जाके नीचे आना शुरू होती है और इसको ब्रेक करती है 15,196 को, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो मैं वापस रीटेस्ट होगा 15,196 का। फिर जब प्राइस नीचे आना शुरू होगा तब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 15,176 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 15,128। फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और जब भी प्रॉपर रीटेस्ट है तभी ट्रेड में एंटर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये VIP इंडस्ट्रीज का 1 आवर चार्ट है। इसके अंदर जो हम ट्रेड करेंगे वो एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वह 360.5 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वह 374 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में, यहाँ पे हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाईज एंड हायर लोज। और अभी अगर हम देखें प्राइस जस्ट रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको हम तब बाय करेंगे जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट होगा 360.5 का। रीटेस्ट हम 1 मिनट और 5 मिनट में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब हम इसको बाय करेंगे। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 362। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 370 और 372 के बीच में अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लॉस के नीचे जो होगा 346। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है, देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये पेट्रोनेट का 1 आवर चार्ट है। इसके अंदर जो हम ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट ट्रेड है और ये एक शॉर्ट की ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 235.7 पे, उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 230 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक लो है, ये लोअर लो है और ये लो से भी ऊपर है, तो ये वीकनेस का साइन है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है विच अगेन मीन्स अ रिवर्सल। तो इसको हम तब शॉर्ट करेंगे जब नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट होगा वापस 235.7 का। उसके बाद जब प्राइस वापस नीचे आना शुरू होगा तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 234.7 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 231 अराउंड यहाँ। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इन स्विंग हाइज के ऊपर जो होगा 239.6 पे। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम अगर इंट्राडे में निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड आती है तो उसको मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।